हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून, दिस इज सिमरन सिंह. वेलकम टू एनसीईआरटी'स लाइव इंट्रैक्शन एंड यू ऑल आर वॉचिंग अस ऑन पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 और यू माइट ऑल्सो कनेक्ट विद अस थ्रू आवर यूट्यूब चैनल दैट यू ऑल नो. इट इज एनसीईआरटी ऑफिशियल. इट्स अराउंड 2 PM ऑन योर वॉच एंड दिस पर्टिकुलर सेशन इज लाइव on NCERT official. If you have any of the doubts, do reach out to us in the comment section of NCERT official. Apart from that, there is a contact number on your screens. It is 8800440559. Besides, the session will run for half an hour from 2 PM till 2:30 PM. If you have any of the questions, here is our mail ID for all of you. It is dth.class10@ciet.nic.in. So all your questions, your queries, messages and feedbacks are welcomed. So let's get to know about today's session. Well, the session is for class 10th and the subject is science. So today we will be studying about refraction of light, part 1. And to make this learning process more easy for all of you, we have with us Miss Leena Agrawal. Namaskar, ma'am. Namaskar. Welcome to NCERT. Thank you. Ma'am is TGT Science, currently serving at St. Anselm's Pink City School, has joined in from Jaipur. If you have any of the questions, let us know. So, ma'am, under refraction of light, part 1, what all our viewers will be studying in this session? We have done reflection of light. Now we will do the new topic, not new for some, but it is refraction of light. It is another phenomena. Jaise humne reflection of light kiya tha, aise refraction of light दूसरा फिनोमेना है. उसके बारे में बात करेंगे, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं और उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं या क्या क्या फिनोमेनाज हैं जो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेट कर सकते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो टर्म्स हैं उसमें, उसके बारे में हम सब ये जानेंगे. और न्यूमेरिकल्स, हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम, क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में. तो हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे कि रिफ्रैक्शन है क्या. आखिर पहले हम रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे और फिर उसके फिनोमेनास के बारे में. जी बिल्कुल लीना मैम, तो हम शुरुआत करते हैं इस सेशन की. थैंक यू. गुड आफ्टरनून. हम लोग आज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पर जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट जो है एक सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. आपको ये पता है कि किसी भी मीडियम में हमेशा लाइट सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. हम उसको बेंड नहीं कर सकते. कैसे बेंड करेंगे? अगर हम चाहें कि हमें बेंड करना है तो, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में किया था, आप ये कह सकते हैं कि हम लाइट रे के आगे हम रख देते हैं एक मिरर, तो मिरर के आते ही क्या होगा, वो लाइट रे मुड़ जाएगी कुछ एंगल बनाते हुए. पर अगर हमें चाहिए कि लाइट रे उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती रहे पर थोड़ा सा मुड़ जाए, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? उसके लिए हमें चाहिएगा कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे ग्लास, वाटर, प्लास्टिक एट्सेट्रा. अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही लाइट रे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट रे AO एयर में सीधी ट्रेवल कर रही है, जैसे ही वो ग्लास में आती है वो अपनी जगह से मुड़ जाती है. तो हमने क्या जादू किया? हमने लाइट रे को बेंड कर दिया विदाउट टर्निंग इट अवे. हमने इसको मोड़ा नहीं है, हमने इसको खाली बेंड किया है. और ये बेंड क्यों हुई है? क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है. इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन को ये जैसे कि यहाँ पे किया हुआ भी है, इसको डिफाइन किया हुआ है, जब लाइट रे ट्रेवल करती है ऑब्लिकली. अब ये वर्ड ऑब्लिकली आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्लिकली का मतलब है कुछ एंगल बनाते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. पर इसका कोई रीजन तो होगा. रीजन है, रीजन ये है कि लाइट की स्पीड हर मटेरियल में अलग होती है. ये इसकी प्रॉपर्टी है लाइट की, कि वो जैसे ही मटेरियल चेंज करती है या जैसे ही मीडियम चेंज करती है उसकी स्पीड बदल जाती है, जैसे ही वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है. अगर हमें कोई एक्टिविटी देखनी है जिससे हमें पता चल सके कि भई ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके लिए हम एक सिंपल सी एक्टिविटी जो आपने करी भी होगी और देखी भी होगी या कर भी सकते हैं, एक कप कांच के ग्लास में पानी लीजिए. उस कांच के ग्लास में जब हम पेंसिल को डिप करते हैं तो जो पेंसिल का भाग पानी के अंदर है वो हमें मुड़ा हुआ दिखता है. ऐसे लगता है जैसे वो टूट गया है या मुड़ गया है. अब वो किस लिए होता है? वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, पेंसिल का भाग BO, ये ओरिजिनल
पोजीशन है बीओ की, हमने एक पॉइंट से, खाली एक पॉइंट से हम दो रेज ले रहे हैं, क्योंकि लाइट रेज तो सब पॉइंट से जाएंगी रिफ्लेक्ट होके, पर दो दो रेज जो कि वाटर से एयर में जा रही हैं, आप देख रहे हैं एक मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही हैं, तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज करने के बाद जब वो हमारी आंखों में पड़ती हैं, तो हमारी आंखों को लगता है कि जैसे ये लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं आई से, तो आई क्या है, आई ओ की इमेज है, हमें ओ नहीं दिखेगा, अब हमें दिखेगा खाली आई जो कि ओ से थोड़ा ऊपर है, इसलिए हमें लाइट रे मुड़ी हुई लगती है या पेंसिल मुड़ी हुई लगती है यू कैन से। इसी तरह से हम एक ग्लास स्लैब ले सकते हैं, ग्लास स्लैब जो कि इस तरह का होता है, अगर आप देख सकते हो या होगा आपके यहाँ ग्लास का कोई भी मटेरियल या पीस होगा, उसको आप एक लाइन के ऊपर रखिए, उसमें से अगर ऊपर से देखेंगे आप, जैसे कि ये यहाँ दिखाया हुआ है मैंने फिगर में भी, तो अगर हम ग्लास स्लैब को किसी लाइन के ऊपर टेढ़ा रखते हैं, टेढ़ा मतलब लाइन उस पर टेढ़ी गिरनी चाहिए, तो अगर ग्लास स्लैब के अंदर हम देख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लास स्लैब ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि वो हमें ऐसे लगेगा लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो वो लाइन क्यों टेढ़ी होती है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। अब हम रिफ्रैक्शन के लिए कुछ टर्म्स जानेंगे, जैसे हमने टर्म्स कुछ रिफ्लेक्शन में यूज़ किए थे, ऐसे ही हम रिफ्रैक्शन में यूज़ करेंगे। ये लाइन जो कि आप देख रहे हैं ई ओ, ये इंसिडेंट रे कहलाती है, और जब लाइट, ये लाइट रे जब अंदर ट्रेवल करती है ग्लास में जाती है, तो आपने देखा है थोड़ा सा ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, इसके बाद ग्लास में अब वो रुकेगी तो नहीं, क्योंकि लाइट रे है वो तो चलती रहेगी, उसका काम है चलना सीधी डायरेक्शन में जब तक उसके सामने कोई बाधा नहीं आ जाए, तो अब वो ग्लास से निकल के एयर में आ गई। अब आप देख रहे हैं जैसे ही वो ग्लास से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, इसने फिर अपना रास्ता बदल दिया, पर अब रास्ता कहाँ हुआ, उसने नॉर्मल से थोड़ी दूर हुआ। नॉर्मल वर्ड जो कि आपने पहले भी किया है, मैं आपको याद दिला दूं, पॉइंट, जिस पॉइंट पे कोई भी रे इंसिडेंट होती है, उस पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं। यहाँ पे ई ओ किस पे हो रही है, ओ पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर खींचा तो नॉर्मल एन एन डैश हमें मिला। यहाँ पे ओ डैश से निकल रही है, हमने इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा, ये परपेंडिकुलर, ये एम एम डैश जो है ये नॉर्मल कहलाता है। एंगल, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ई ओ ये इंसिडेंट रे है। फिर ओ ओ डैश जो है रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो रही है उसके अंदर ग्लास के अंदर, तो एंगल आर वन जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बन रहा है, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब ये ग्लास से बाहर आती है तो ओ डैश एच जो है ये इमरजेंट रे कहलाती है। आप देख सकते हैं कि जब ये एयर से ग्लास में आई तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई, और जितनी ही वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई है उतनी ही वो नॉर्मल से दूर जाएगी जब वो ग्लास से एयर में आएगी। तो क्या होगा उसका कॉन्सिक्वेंस, ये होगा कि जो इमर्जेंट रे है ओ डैश एच, ये इमर्जेंट रे है, ये इमर्ज कर रही है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन इंसिडेंट रे से पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और इन दोनों के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा रखा है ओ डैश एल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है लिटरल शिफ्ट, क्योंकि ओरिजिनल पाथ पे नहीं जा रही है, ओरिजिनल पाथ पे इंसिडेंट इमर्जेंट रे नहीं जा रही है, इंसिडेंट रे की ओरिजिनल पाथ है और ये इमर्जेंट रे है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये कहलाता है लेटरल शिफ्ट। अब आप देख सकते हैं, और आप जैसे कि मैंने अभी बताया था, जितना वो बैंड होगी नॉर्मल की तरफ उतना ही वो बैंड होगी नॉर्मल से दूर जब वो दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में आएगी, इस शिफ्टिंग को कहते हैं लेटरल शिफ्ट। अब एक और केस है, अभी तक हमने देखा कि लाइट रे जो है ऑब्लिकली एंटर कर रही है, पर क्या होगा अगर लाइट रे जो है सीधे सीधे, दैट इज परपेंडिकुलरली इसके ऊपर इंसिडेंट हो नॉर्मल के, अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, या लाइट रे जो है परपेंडिकुलरली इस पे इंसिडेंट होती है, तो उस केस में क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं क्या होगा, अब इसमें किस तरफ जाएगी, आप कहेंगे नॉर्मल की तरफ तो जा ही नहीं सकती क्योंकि ये तो नॉर्मल पे, सही सोचा आपने, ये कहीं नहीं जाएगी, मतलब ये बेंड नहीं होगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि ये एंटर कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये तो लाइट की प्रॉपर्टी है, जैसे ही वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, पर ये स्पेशल केस में
लाइट रे बेंड नहीं होगी, वो सीधी सीधी निकल के और एयर से ग्लास में और ग्लास से एयर में चली जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि नॉन, इसीलिए हमने उसके डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था ऑब्लिकली, मतलब जब वो कुछ एंगल बनाते हुए पड़ती है किसी भी सरफेस पे तब वो रिफ्रैक्ट होती है, नहीं तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अब ये होता क्यों है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है, और या नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पे। इस वर्ड में एक डेंसिटी वर्ड जो आया है, ये डेंसिटी वर्ड आप पहले भी सुन चुके हैं। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी किसी मटेरियल की डेंसिटी हमें बताती है कि वो मटेरियल कितना लाइट है या हैवी है। इसी तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल वर्ड इज फॉर द लाइट, तो ऑप्टिकल डेंसिटी हमें क्या बता रही है, हमें बता रही है कि लाइट की स्पीड कितनी कम होगी या ज़्यादा होगी जब वो उस मटेरियल में घुसती है। बट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि डेंसिटी खाली मटेरियल की होती थी, बट ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड करती है दोनों मीडियम पे, मीडियम जिसमें से लाइट रे आ रही है और मीडियम जिसमें लाइट रे एंटर कर रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब भी बात करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी की तो वो होगी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अभी हमने एयर ग्लास का एग्जांपल देखा है, पर अगर इसमें हम फर्स्ट मीडियम या सेकेंड मीडियम बदल देते हैं तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, इन कंपेयरिंग टू मीडिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अभी पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, जो जितना ऑप्टिकली डेंसर होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होती चली जाती है। अब इस ऑप्टिकल डेंसिटी से डिसाइड होता है कि लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम अगर ज़्यादा है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, बट अगर ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम की पहले मीडियम से कम है तो लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी। जैसा कि आपने हमने इसमें देखा था, आप इस एग्जांपल से दोबारा से देख सकते हैं, यहाँ पे एयर जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। रेयरर और डेंसर इस वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि हमने कंपैरेटिव वर्ड्स यूज किए हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी को। तो एयर जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और यहाँ पे जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब जब ये डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड हुई है, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्टिकली ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड करती डिसाइड करती है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम डिसाइड करती है कि लाइट रे नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ये जो रिफ्रैक्शन है, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए थे, इसी तरह से कुछ लॉज हैं जो हमें रिफ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। ये लॉज हैं, आप देख सकते हैं दो लॉज होते हैं, उसमें एक लॉ जो है वो ऑलमोस्ट सेम है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में किया था कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारा सेम है, ऑलमोस्ट सेम जो रिफ्लेक्शन में था। पर सेकेंड लॉ, जैसे कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था, हमारा सेकेंड लॉ बताता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पे सेकेंड लॉ हम भी ये भी हमें बताएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। ये लॉ कहलाता है स्नेल्स लॉ, और ये एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसके बीच में है तो, मतलब मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री उसके लिए ट्रू है। इस लॉ के हिसाब से अगर मीडियम चेंज नहीं होता है फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, लाइट नहीं चेंज हो रही है ना ही मीडियम चेंज हो रहे हैं, दोनों मीडियम सेम है, तो उस केस में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है। इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि अगर हम सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए
एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, पर उतने एक्सटेंट में नहीं होगा, वो चेंज होगा पर इस तरह से चेंज होगा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो दोनों कॉन्स्टेंट रहेंगे। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है वो हमें देती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट विद दिस थिंग ऑल्सो यू शुड नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम बट विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ओके, तो इसलिए यहाँ दोनों मीडियम जरूरी हैं, पहला मीडियम जिसमें से लाइट रे आ रही है, दूसरा मीडियम जिसमें लाइट रे जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि गिवन पेयर ऑफ मीडिया में लाइट रे की डायरेक्शन कितनी चेंज होगी। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ही हमें बता रही है कि अगर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट रे चेंज होगी, पर कितना डिफरेंस है ऑप्टिकल डेंसिटी में, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से पता चल जाता है। तो फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया जो ये कॉन्स्टेंट है साइन आई अपॉन साइन आर, इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। पर हमेशा हम एंगल्स तो नहीं कैलकुलेट कर सकते या मेजर कर सकते हैं। एंगल जब हम कैलकुलेट या मेजर नहीं कर सकते हैं उस केस में क्या होगा? अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम मैंने दिखाया है, फर्स्ट मीडियम हमेशा जिसमें से लाइट रे आ रही है और सेकेंड मीडियम जिसमें लाइट रे जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम आई और आर का रेशो लेते हैं तो ये हमें बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ रहे हैं? आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू। अब जैसे कि मैं हमने डिस्कस किया था कि एंगल हमेशा हमें पता नहीं चल पाते, पर साइंटिफिकली वी नो द स्पीड ऑफ लाइट इन एवरी मीडियम, हमें पता है कि हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये कैलकुलेट किए हुए हैं। अगर हमारे पास वो वैल्यू हैं उन वैल्यूज से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन is given by the ratio of speed of light in first medium. First का मतलब है medium जिसमें से light ray आ रही है और second medium जिसमें light ray enter कर रही है, तो n to 1 is equals to v1 upon v2. अब ये n क्या है? n जो है ये है refractive index। हर quantity को हम denote करते हैं किसी alphabet से, either Greek alphabet or Roman alphabet, something like that। यहाँ पे हमने लिया है इंग्लिश अल्फाबेट n, n का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर अगर हम खाली n लिख देंगे तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब तो हमें पता ही नहीं चलेगा, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पर किसका और किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें दोनों मीडियम डिनोट करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे दो सफिक्स रखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं n21 बताता है, n का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट हम सफिक्स रखते हैं टू का मतलब मीडियम जिसमें लाइट रे एंटर कर रही है, तो ये और फर्स्ट वन का मतलब है लाइट रे जिसमें से आ रही है। तो इस n21 को हम कैसे बोलेंगे? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, एंड दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो n21 रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का बट विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब अगर हमें फर्स्ट मीडियम का निकालना है, सपोज लाइट रे हमने उल्टी इंसिडेंट करी, जैसे कि हमने देखा था जब हम रिफ्रैक्शन देख रहे थे ग्लास स्लैब में, तो लाइट रे पहले एयर से ग्लास में जा रही थी फिर ग्लास से एयर में आ रही थी। तो अगर हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? n12, उसके लिए इसका डिपिक्शन भी चेंज हो जाएगा कि n12 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम। तो इसी लाइन के या इसी फॉर्मूले की तरह हम इसमें लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, दैट इज v2 अपॉन v1। अब अगर हम कंपेयर करते हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? यहाँ हमें दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये v1 अपॉन v2 है, ये v2 अपॉन v1 है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम।
अब जब कोई क्वांटिटी होती है उसकी हमें यूनिट भी पता होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम रेशो ले रहे हैं दो सेम क्वांटिटीज़ का। तो जब हम दो सेम क्वांटिटीज़ का रेशो लेते हैं तो वो क्या होता है, सॉरी, दो सेम क्वांटिटीज़ का रेशो लेते हैं तो उसकी यूनिट नहीं होती है। जैसे आपने रिलेटिव डेंसिटी लास्ट ईयर किया होगा तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी यूनिट नहीं होती है, डज नॉट हैव एनी यूनिट। अब एक और टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट टर्म। अब लाइट, क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड है स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, आपको पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो अगर लाइट रे वैक्यूम से एंटर करती है किसी मीडियम में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम एब्सोल्यूट मीडियम के कंपैरिजन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं उस मीडियम का। एब्सोल्यूट मीडियम कौन सा है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है, वो है वैक्यूम। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे, आप कहेंगे यहाँ पे तो आपने एयर भी लिखा है। एयर इसलिए लिखा है क्योंकि जब लाइट रे एंटर करती है, अच्छा वैक्यूम में क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते हैं जो उसको रोक सके, स्पीड ऑफ लाइट को कम कर सके। जिससे इसी इसमें एयर में क्या होता है, एयर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं पर वो इतनी दूर दूर होते हैं, आपको पता ही होगा कि मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर होते हैं कि वो भी स्पीड ऑफ लाइट को बहुत ज़्यादा कम नहीं करते हैं। जनरली क्या होता है, मास डेंसिटी जो मटेरियल डेंसिटी होती है या मीडियम डेंसिटी होती है वो ऑप्टिकल डेंसिटी के रिलेशन में होती है। मतलब कोई अगर मटेरियल जितना डेंसर होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है, पर एक दो एक्सेप्शंस होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ज़्यादातर जो जितना डेंसर मीडियम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एयर बहुत ज़्यादा डेंसर मीडियम नहीं है, है ना, आपको पता है। तो वैक्यूम और एयर दोनों में ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं बदलती है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंसिडर्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। हम एयर भी लिख सकते हैं, वैक्यूम और एयर। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम डिनोट कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सब मीडियम है। उस केस में हम डिनोट करते हैं खाली उस मीडियम का सफिक्स। जैसे हमने पहले N21 लिया था, तो वन वॉज द फॉर द मीडियम फ्रॉम विच द लाइट वॉज कमिंग। यहाँ पे हम खाली उस मीडियम को डिनोट करेंगे या उस मीडियम को शो करेंगे जिसमें लाइट रे एंटर करी है, क्योंकि पहला मीडियम तो हमें पता है वो क्या है, वो वैक्यूम है। तो पहला मीडियम वैक्यूम है, तो हम अगर खाली N2 लिखा है, N के साथ खाली एक सफिक्स है, तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब अगर हमें फॉर्मूले से देखते हैं तो फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला N21 इज इक्वल्स टू V1/V2। तो N2 खाली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फॉर्मूला में हम कैसे लिखेंगे, उसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, दैट इज N2 इज इक्वल्स टू C/V2। आपको पता ही होगा कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हम C से डिनोट करते हैं, स्मॉल C से, दो इसकी वैल्यू होती है 3×10⁸, पर हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल C से। तो N2 क्या हो गया, C/V2। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया था। Before we proceed ahead in the discussion, I would just like to inform you that we are left by last 5 minutes in this session. Yes, I will finish it in 5 minutes. I hope you all must be understanding. ये आप एक और formula है जो हमें मदद करेगा numericals में। ये है relation refractive index of two mediums, means refractive index of one medium with respect to the second medium, or absolute refractive indices of both the mediums. जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने थोड़ा सा डेरिवेशन लिया है, बहुत टफ नहीं है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे तो उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं
एन टू वन की वैल्यू क्या होती है, हमने देखा था वो होती है वी वन अपॉन वी टू, और अभी हमने देखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एन टू. एन टू मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, वी कैन राइट एज सी अपॉन वी टू, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम हम कैसे लिख सकते हैं, सी अपॉन वी वन. अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मैं इस तरह से लिखूं, मैंने इसको उसको दो टर्म्स में तोड़ दिया है, वी वन और वन अपॉन वी टू, इसके बाद मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया है और सी से ही डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमें पता है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं सी अपॉन वी टू और वी वन अपॉन सी, तो सी अपॉन वी टू क्या है, हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू है एन टू, और वी वन अपॉन सी ये हो गई वन अपॉन एन वन. तो हमने एन टू इंटू वन अपॉन एन वन, जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ गया एन टू वन इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन. ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत मदद करेगा. अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी जिसमें आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अब हम देखते हैं ये टेबल जो कि बुक में भी दे रखी है, ये है, ये हमें बताती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं. तो जिसका जितना ज़्यादा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी. जैसे कि अगर हम कहते हैं डायमंड जो है, डायमंड सबसे ज़्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब जब लाइट रे वैक्यूम से डायमंड में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी, है ना. तो इसी तरह से आइस में जाएगी तो उसकी स्पीड 1.31 टाइम्स कम हो जाएगी. अच्छा, जो मैं आपको बात कर रही थी एक्सेप्शंस, जो ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी के एक्सेप्शंस हैं, जनरली हम देखते हैं कि जो ज़्यादा डेंसर होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, पर यहाँ एक एक्सेप्शन है केरोसिन एंड वाटर. आप वैसे जानते हैं कि डेंसिटी जो है केरोसिन ऑयल की कम है वाटर से, वाटर हैवी होता है, हम केरोसिन ऑयल जो है वाटर के ऊपर तैरता है, बट अगर आप ऑप्टिकल डेंसिटी देखेंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर की कम है, केरोसिन की ज़्यादा है. ये एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा बाकी ज़्यादातर मटेरियल्स जितने डेंसर होते हैं उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है. इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी है. अगर आपको दिया हुआ है वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन या केरोसिन, अब आप देखते हैं कि इन चारों में सबसे डेंसर कौन है. आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है बट हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि जिसकी मटेरियल डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होती है. तो इन चारों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट लाइट किस पे बैंड होगी, किस में होगी, ग्लिसरीन में, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है इन चारों में. Yes, ma'am, and we would have loved to continue the discussion, but we have certain time constraints. So only this one, if you can see this, so this is the last one. Okay. You can see that we can use this formula for this type of exemplar problem. If you have any problem, you can just mail and you can ask me. Thank you. I hope we have covered all the important points under this concept, that is refraction of light, part one. After Thank that you we'll so do much. That in part two we'll just continue with this. Thank you so much for explaining this concept so easily to all our viewers. I hope you must have enjoyed this session. Thank you to everyone who has connected with NCRT for this particular session, and thank you, ma'am. Thank you to all the viewers as well, and stay connected to NCRT. We'll be back with another session within a few minutes. Namaskar.